हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाईवे पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, जिला प्रशासन के विरोध में कई जमकर नारेबाजी। बाड़मेर शहर के नेशनल हाईवे 68 पर बुधवार की रोज रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। बाड़मेर जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि बाड़मेर प्रशासन ने नेशनल हाईवे के अंदर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जिससे ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर तक का चक्कर निकालकर हाईवे पार करना पड़ता है। वहीं जगह जगह हाईवे को बंद रखा है, जिससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं और जिला कलेक्टर ने जांच करवाकर समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक बाड़मेर प्रशासन ने मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे आमजन परेशान है। हाईवे पर प्रदर्शन के बाद ग्रामीण महावीर पार्क में इकट्ठा हुए, जिसके बाद जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे को पुनः ज्ञापन सौंप कर रास्ता खुलवाने की मांग की। ये रास्ता जो है हाईवे जो मगरा से आता है वो रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए अब सब लोग कटे हुए हैं रास्ता खुलवाने के लिए। तो ये तो अगले आप 3 दिन से ये प्रयास कर रहे हो? 3 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा, बार बार हम जा रहे हैं। यदि अगर प्रशासन नहीं खोलेगा तो हम आगे से हाईवे जाम करेंगे या कोई भी एक्शन करेंगे या कोई भी भूख हड़ताल करेंगे, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। ये तो अगले 3 दिन से आप ज्ञापन दे रहे हो मगर आपकी सुन नहीं रहा। हमें कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि हम मौका मुआयना करेंगे और वहाँ आकर के वस्तु स्थिति का जायजा लेकर के और हम आपका रास्ता खुलवा देंगे। एसडीएम साहब का 3 दिन वेट किया था और 3 दिन से एसडीएम यही कह रहा है कि मैं कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। हम यहाँ 3 दिन से भूखा मर रहे हैं किसान। हाँ सर बताओ क्या मामला है? ये आम लोगों की वाजिब मांग है। जो ये रास्ता था पहले जो 7 गांव से जोड़ने वाला एक न्यू क्वास है, मगरा है, मुंडा की ढाणी है, बांद्रा, नागाना, जो 7 पंचायतें जुड़ी हुई है इस रास्ते से, तो कम से कम यहाँ 300 लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों की वाजिब मांग है यह रास्ता होना चाहिए। जिला प्रशासन को पूर्व में इन्होंने ज्ञापन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी सभी लोग तैयार है, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके बाद में अगर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई अगर नहीं की तो उसके बाद में सभी मिलकर के मीटिंग करके अगला निर्णय स्टेप उठाएंगे। तो ये तो आपने 3 दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन बंगले जाके दिया था ना? कलेक्टर साहब को बंगले जाकर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया था और जो कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को नियुक्त किया था और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं 1-2 दिन के अंदर मौका देखूंगा। अभी तक उन्होंने कोई मौका नहीं, कोई कार्रवाई की नहीं है। लोगों की उचित मांग है, अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये उग्र आंदोलन होगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।